आई डोंट वांट टू मैरी यू रणबीर। जी टीवी के पॉपुलर शो कुमकुम भाग्य में जैसे कि अब तक आप सभी ने देखा कि दादी सभी घर वालों के सामने अनाउंस करती है रणबीर और रिया की शादी के बारे में। वही बाकी घर वाले काफी ही गुस्सा हो जाते हैं दादी पे और वो कहते हैं कि दादी को सभी के सामने नहीं बोलना चाहिए था। वही अब रिया डिसाइड करेगी कि वो रणबीर के साथ शादी नहीं करेगी। जी हाँ, क्योंकि रिया को लगता है कि रणबीर उसे बैंडेज की तरह यूज कर रहे हैं जहाँ वो अपने जख्म सभी के सामने छुपा के बैठे हैं। रणबीर, तुम कब तक मुझे एक बैंडेज की तरह यूज करते रहोगे? बैंडेज की तरह? क्या क्या बोल रहे हो तुम रिया? वही जो तुम सुन रहे हो। रणबीर, तुम्हें चोट लगती रहेगी और मैं मरहम की तरह तुम्हारे लिए काम करती रहूंगी। रणबीर, तुम कब तक अपनी चोट छुपाने के लिए, अपना दर्द कम करने के लिए मुझे यूज करते रहोगे? एक्सक्यूज मी, मैंने तुम्हें यूज किया? क्यों, ये नहीं किया तुमने? मैंने किया क्या? ये अनाउंसमेंट रणबीर, ये शादी की अनाउंसमेंट। अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया और तुम्हारी फीलिंग्स हर्ट हो गई, और तुमने दीदा को हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करने दी। मैंने अनाउंसमेंट करने दी? और नहीं तो क्या रणबीर, अक्षय ने प्राची को प्रपोज किया, उसको सारी अटेंशन मिल गई, सारी इंपॉर्टेंस मिल गई, लेकिन तुमको भी तो अटेंशन चाहिए थी, तुमको भी इंपॉर्टेंस चाहिए थी, तो बस तुमने दीदा से हम दोनों की शादी की अनाउंसमेंट करवा दी। रिया, तुम गलत बोल रही हो। नहीं 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 रणबीर, कुछ मत बोलो, मेरी बात तो सुनो। नहीं, तुम मेरी बात सुनो। तुम्हें मिल गई होगी अपनी ये अटेंशन, अपनी इम्पोर्टेंस, और अनाउंसमेंट भी हो गई है शादी के लिए, लेकिन रणबीर, मैं ये शादी नहीं करूंगी। यस, यू हर्ड मी राइट, आई डोंट वॉन्ट टू मैरी यू रणबीर।